अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैंगो पुडिंग, जो बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत इजी बन जाता है। और घर में जो चीज़ है उसी से ही मैं बनाना सिखाऊंगी आप लोगों को। मार्केट से जाने का कोई ज़रूरत नहीं होगा और कोई सामान मार्केट से लाने नहीं होगा पड़ेगा। तो उसके लिए अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो सबसे पहले हमको एक मैंगो चाहिए। तो मेरा मैंगो का साइज़ बहुत बड़ा है इसलिए मैंने एक ही ले लिया। अगर आपका मैंगो छोटा है तो आप दो मैंगो ले लीजिए। और अभी मैंने क्या किया, इस मैंगो को मैंने अच्छी तरह छिलका उतार के छोटे छोटे टुकड़े में काट के आप लोगों को दिखाऊंगी। को मैंने इस तरह छोटे छोटे टुकड़ा में काट दिया और इसको एक ग्राइंडर जार में डाल दूंगी कुछ इस तरह से। सारा मैंगो को मैं इस तरह से डाल दूंगी। और उसके बाद इसमें हाफ कप चीनी ऐड कर दूंगी, हाफ कप चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से डालिए। अगर आपका आम में मीठास ज़्यादा हो तो आप कम डालिए, अगर मीठा कम है तो आप थोड़ा सा और ज़्यादा डाल सकते हो। और एक पिंच साल्ट, अगर कोई भी मीठास में हम थोड़ा सा साल्ट ऐड करते हैं तो हमारा मीठास का टेस्ट दोगुना होता है, तो इसलिए एक पिंच साल्ट डाल दिया। और अभी मैंने इसमें एक कप दूध डाल दूंगी, दूध को डाल दिया। अभी इसको अच्छी तरह पेस्ट बना लूंगी, ग्राइंड करके अच्छी तरह एक पेस्ट बना लूंगी। देखिए मैंने कुछ इस तरह से फाइन पेस्ट कर लिया, इस तरह फाइन पेस्ट होना चाहिए, कुछ इस तरह से पूरा सा फाइन होना चाहिए पेस्ट को। और अभी मैं गैस में एक पैन चढ़ा दिया और उसको फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो रखूंगी। और उसके बाद मैं जो पेस्ट है वो सब डाल दूंगी इसमें। और इसको चम्मच इस तरह हिलाना पड़ेगा और 5 मिनट तक कंटिन्यू पकाऊंगी। और इस तरह से, और 5 मिनट से ज़्यादा अगर आप पकाओगे तो वो दूध फटने का चांस होगा, क्योंकि आम में थोड़ा सा खट्टा ही होता है ना, तो उसी वजह से ये फटने का चांस हो जाएगा। तो इसलिए हम कोई रिस्क नहीं लूँगी, इस तरह से चम्मच को हिला हिला के 5 मिनट तक पकाऊंगी कुछ इस तरह से। हमारे ये पेस्ट को गाढ़ा होना पड़ेगा, तो गाढ़ा होने के लिए हमें 5 मिनट तक पकाना पड़ेगा, तो कुछ इस तरह से। देखिए 5 मिनट हो गया। और अभी दूसरे एक बोल में मैंने हाफ कप मिल्क डाल दिया, हाफ कप मिल्क, नॉर्मल टेम्परेचर का मिल्क, और 1/4 कप कॉर्नफ्लावर डाल दिया और इनको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी अभी कुछ इस तरह से, कोई भी लम्स रह ना जाए। तो मिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत ज़रूरी है ये मिक्स करना, अच्छी तरह मिक्स करना पड़ेगा। और उसके बाद अभी मैं इस मिक्सचर को आम की मिक्सचर में डाल दूंगी कुछ इस तरह से। डाल दिया और उसके बाद 10 से 15 मिनट तक लगातार हिलाना पड़ेगा और कंटिन्यू हिलाना पड़ेगा 10-15 मिनट तक, नहीं तो कॉर्नफ्लावर नीचे में लग जाएगा। तो इस
इसी टाइम में हमको रुकना नहीं, इस तरह से कंटिन्यू यही छोटा छोटा टिप्स हमारा बहुत काम आता है एक परफेक्ट रेसिपी बनाने के लिए। तो आप मेरा ये टिप्स फॉलो कीजिए और इस तरह से बनाइए तो देखिए कितना अच्छा और बेहतरीन पुडिंग बनेगा। 10-15 मिनट तक हमें इसको इस तरह चम्मच हिला हिला के पकाना पड़ेगा, इससे हमारा कॉर्नफ्लावर भी पक जाएगा और हमारा बैटर भी ठीक हो जाएगा। इस तरह से अभी 10-15 मिनट हो गया और हमारा पुडिंग भी कप जो पेस्ट है वो भी रेडी हो गया और थिकनेस कुछ इस तरह रहना चाहिए, कुछ इस तरह से। और उसके बाद मैं गैस ऑफ कर दूंगी और उसको ठंडा होने के लिए थोड़ा देर के लिए छोड़ दूंगी, कुछ इस तरह से। और दूसरी साइड में मैं आम का एक रस बनाऊंगी जो बाद में यूज़ होगा, तो उसके लिए मैंने एक छोटा टुकड़ा आम को कुछ इस तरह काट के मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया। जो जार में पहले से मैंने आम को पेस्ट किया उसी से जार में मैंने इसे डाल दिया, इसको धोया नहीं। तो इसको इस तरह से हमको काट के डाल दिया और उसके बाद इसमें 1/2 टेबल स्पून से कम चीनी डालूंगी और पानी थोड़ा सा डालूंगी, करीबन 1/2 कप से भी बहुत कम डाल दूंगी। और इसको ग्राइंड कर लूंगी और साइड में रखूंगी, बाद में यूज़ होएगा। तो इस तरह से मैंने ग्राइंड कर लूंगी। देखिए अभी मैंने एक बोल ले लिया और इसको थोड़ा सा ऑयल लगा के ग्रेस कर लिया ताकि हमारा जो पुडिंग को मैं बाद में जब इस तरह से उल्टाऊंगी तब इजीली वो वहाँ से निकल जाए इस बोल से। तो मैंने इस तरह से बोल ले लिया। अगर आप कोई सा भी बोल ले सकते हो जो आपके घर में स्टील का हो या सिलिकॉन का हो, जो है अवेलेबल वही से आप बना सकते हो। तो उधर मेरा पुडिंग भी थोड़ा सा ठंडा हो गया तो इसको मैंने इस बोल में ट्रांसफर कर दूंगी। इस तरह से सारा पुडिंग मैं डाल दूंगी, मैं डाल के दिखाती हूँ। देखिए मैंने इस तरह एक बोल में सब ले लिया और उसके बाद इसको क्या करना है, इस तरह से थोड़ा थोड़ा हिलाना पड़ेगा, इसी वजह से जो अंदर में जो एयर है वो सब निकल जाएगा। तो इस तरह करना ज़रूरी होता है कुछ इस तरह से। अभी मैं क्या करूँगी, हमारे पुडिंग को 2 घंटे के लिए फ्रिज में मैं रख दूँगी ताकि वो पूरा सा सेट हो जाए। तो नॉर्मल फ्रिज में रखिए, डीप फ्रिज में मत रखिए। तो 2 घंटे बाद में दिखाती हूँ। 2 घंटे के बाद मैंने पुडिंग को फ्रिज से निकाल लिया और देखने में कुछ इस तरह हो। अभी मैं क्या करूँगी, उसको साइड से इस तरह से पहले पूरा साइड को इस तरह से खोल दूँगी ताकि इजीली निकल जाए। और उसके बाद मैं प्लेट को इस तरह करके उसको, अभी देखिए मैंने प्लेट में इस तरह से निकाल लिया। वो बहुत ही सेफ्टी से करना पड़ेगा नहीं तो टूट जाएगा। तो मैं उसके क्या करूँगी, अभी मैं उसके ऊपर जो सिरप मैंने बनाया मैंगो का जूस उसको डाल दूँगी इस तरह से। पूरा का ऊपर तक डाल दूँगी कुछ इस तरह से। और उसके बाद थोड़ा सा मैंगो मैंने ऊपर में इस तरह रख दूँगी कुछ इस तरह से। और साइड से मैंने थोड़ा सा पुदीना पत्ता लगा लूँगी कुछ इस तरह से।
कुछ इस तरह से, ये सिर्फ सजाने के लिए है। कोई सा भी चीज़ आप अगर आप अच्छी तरह प्रेजेंट करते हो तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। और देखिए मैंने उसको पूरा इस तरह से कर लिया, अभी देखने में बहुत सुंदर लग रहा है और बहुत टेस्टी भी होगा ये। और ये एकदम सिंपल है, घर में जो सामान है उसी से ही मैंने बनाया, कुछ मार्केट से लाने का कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तो मैंगो का सीज़न है तो इजीली मिल जाएगा, और जो जो इंग्रेडिएंट्स मैंने डाला वो सब घर में ही है, तो बाहर से कुछ मंगाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह इजी से आप बना सकते हो और अपने घर वालों को खिला सकते हो, बहुत टेस्टी होता है ये मैंगो का पुडिंग। अगर मेरा ये पुडिंग का रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरे चैनल का नाम है इंडियन ब्लॉगर फिरदौसी, उसमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।